हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक गले का डिज़ाइन जो हम डबल पाइपिंग में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये बुकरम ली है। बुकरम की जो चौड़ाई है वो हम लेंगे 3.5 इंच, जैसे कि 7 इंच के करीब हमने ये बुकरम ली है और इसे हमने इस तरह फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम गले की चौड़ाई लगा लेते हैं। यहाँ पे 3.25 इंच का हम गले का चौड़ा भी लगा सकते हैं और 3 भी लगा सकते हैं। यहाँ पे दोनों साइड पाइपिंग आ जाएगी तो आप इसे हिसाब से लगाएं। अगर आप 3.25 लगाओगे तो 2.5 रह जाएगा, अगर आप 2.5 लगा ओ, पौने अगर आप 3 लगाओगे तो 3.25 रह जाएगा। तो यहाँ पे हम निशान लगा रहे हैं 3 इंच का, और जो गले की नीचे डीपनेस है वो मैं लगाऊंगी 8 इंच की। तो यहाँ पे गला मैंने 8 इंच डीप लगाया है। तो इस तरह मैंने एक बॉक्स बना लिया है। यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई, यहाँ पे 3 इंच की, इस तरह एक बॉक्स बन गया है। अब हम यहाँ पे पहले निशान लगाएंगे, 2 और 2.5 इंच के बीच में लगा सकते हैं। चलो 2.5 का लगा लेते हैं। यहाँ पे एक 2.5 इंच का निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम ऊपर वाले हिस्से में गले की इस तरह पहले लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट छोड़कर गले की शेप लगा लेते हैं। यहाँ पे हम गोल गला लगा रहे हैं इस तरह, और अब नीचे की तरफ हमने इसमें एक ड्रॉप देना है। जैसे इस तरह का एक ड्रॉप देते हैं हम, तो अब हम यहाँ पे हल्का सा यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ पे डोरी और बटन आएगा यहाँ पे। जैसे अब नीचे की तरफ हमने यहाँ पे, पहले मैं आपको बता दूँ, 1/2 इंच से थोड़ा कम, मतलब जो 1 इंच का चौथा हिस्सा यहाँ छोड़ देंगे, और अब हम इसे इस तरह गोलाई का, ड्रॉप का रूप दे देंगे इस तरह का। तो ये हमने इस तरह शेप लगा लिया। अब इसकी हम करते हैं कटिंग, और जो इसकी चौड़ाई है वो 1 इंच और 1/2 इंच के बीच में रहेगी। तो चलिए इसे काट लेते हैं पहले। इस तरह हमने इसे कट कर लिया है, और अंदर से भी इसे कट कर लेंगे। पहले हमने ये कपड़ा निकाल, ये सॉरी बुकरम निकाल दिया अंदर से। अब जितना हमने छोड़ना था, वो 1-2 पॉइंट के करीब हमने छोड़ना है बुकरम का इधर, वो हम छोड़कर इस तरह गोलाई लगा लेंगे। ये जो गला है, ये एक मेरे व्यूअर है, उन्होंने मुझे पिक भेजी थी, तो उन्हीं के लिए मैं ये बनाने जा रही हूँ। आप इसी तरह अपने सूट में बना सकते हैं। और जो ये चौड़ाई है वो हम पट्टी की बराबर रखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी अनइक्वल हो रही है, मैं इसे कर देती हूँ बराबर, क्योंकि अब हमने ये पट्टी ऊपर की तरफ दिखानी है और इसमें हमने पाइपिंग लगानी है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने दिखानी है, अगर आप इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना चाहते हो तो ये वो वाला गला भी बन सकता है। लीजिए, अब हमने ये पट्टी वाला इस तरह मतलब गला कट कर लिया है। अब हम इसे कपड़े के ऊपर जोड़ लेते हैं। अब इस तरह मैंने शर्ट के साथ का कपड़ा लिया है, तो इसके ऊपर इसे रखेंगे और बड़े ध्यान से लगा लेंगे, क्योंकि ये हमने सीधी तरफ पलटना है। तो आप इसे फिनिशिंग से जोड़ें, यहाँ पे कोई भी झोल वगैरह कपड़े में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 5.5 कट करते हैं, वैसे 6 इंच का काटा है हमने, तो 6 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 6 इंच की चौड़ाई बीच में देकर इसको सिल लेते हैं, ठीक है। अब हम इसे भी इस तरह सिल लेते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसको कपड़े के ऊपर जोड़कर साइडों से कट कर लिया है, और साइडों से कट करने के बाद हम यहाँ पे कॉर्नर है तो एक एक यहाँ पे कट लगाना है हमने। अब हम ऊपर वाले कपड़े को फोल्ड कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा हमने रखा था इसे हमने फोल्ड करना है। और इस साइड, अब जब फोल्ड कर रहे हो तो इस साइड बिल्कुल भी कपड़ा बाहर की तरफ ज़्यादा नहीं छूटना चाहिए, बुकरम के बिल्कुल बराबर हमने इसे फोल्ड करना है। अगर यहाँ पे कपड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो वो थोड़ा फिनिशिंग में अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसे अच्छी तरह फोल्ड कर लेते हैं कपड़े को, सारे को। कॉर्नर का ध्यान रखना है आपने। अब ये देखिए, गले को मैंने इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब इसकी बाहर की तरफ पाइपिंग हम पहले लगा लेते हैं, अंदर की तरफ की पाइपिंग हम गला बनाने के बाद लगाएंगे। तो चलिए इसे पहले हम बाहर की पाइपिंग इस तरह अटैच कर लेते हैं। ये देखिए डबल पाइपिंग है, तो हम इसे इस तरह रखेंगे इसके ऊपर। अब बड़े ध्यान से लगाना है इसको। ये लीजिए, यहाँ पे अब हमारी ये पाइपिंग इस तरह लग चुकी है। अब हमने इसे अब टर्न करना है। जब टर्न करना है तो
इस पाइपिंग को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे और गले की जो शेप है उसके अकॉर्डिंग इसे सिल देंगे। कपड़े का ध्यान रखना है, जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी बाहर की तरफ ये वाला नहीं आना चाहिए, तो पाइपिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए। मतलब ये देखिए कितना अच्छा कॉर्नर भी बन गया है और ये फिनिशिंग से लग भी गई है। तो चलिए इसी तरह हम पूरी में घुमा लेते हैं एक बार। जब ये कॉर्नर पे हम लोग आते हैं तब थोड़ा सा इसको पक्का करना है आपने, जैसे कि सिलाई को थोड़ा सा डबल कर देना है जिससे ये पाइपिंग खुले ना यहाँ से बिल्कुल भी। अब हम फोल्ड करेंगे इसको, पाइपिंग को टर्न करेंगे इस तरफ। ये लीजिए, ये हमारा इस तरह अटैच हो गया। मैंने देखो बिल्कुल ब्रेक नहीं किया है ताकि सबको पता चले अच्छी तरह कि ये लगाना कैसा है इसे। तो अब हम गले को शर्ट के ऊपर पहले बना लेते हैं। तो चलिए पहले शर्ट का पीस लेते हैं, शर्ट का फ्रंट पीस लेना है हमने। और अब हमने उल्टी तरफ से रखना है गले को, उल्टी तरफ से रखेंगे और इसे इस तरह दोनों चीज़ें उल्टी, नीचे वाला भी उल्टा ये भी उल्टा। अब हम इसे सिल देंगे ऊपर से पहले। और यहाँ पे सेंटर की सिलाई एक दे देते हैं, सेंटर आपने बनाकर अच्छी तरह सिलाई देनी है ताकि ये हिले ना बिल्कुल भी, गला टेढ़ा ना हो जाए। इसे इस तरह रखेंगे बीचों बीच। ये देखिए एक सिलाई हमने बीच की दे दी है, अब सिलाई को हटाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से सिलना शुरू करते हैं, एक साइड से किसी भी एक साइड से आप कर लीजिए शुरू। अब इस शेप में बिल्कुल इस तरह हम सिलाई लगा लेते हैं। ये लीजिए सिलाई हमने शेप के अकॉर्डिंग लगा ली है। अब हम इसके बीच का जो कपड़ा है ये निकाल देते हैं, आधा इंच कपड़ा हमने छोड़ देना है साइडों से ताकि ये सिलाई जो है वो निकले ना बिल्कुल भी। अब हम ये कपड़ा निकाल देते हैं सारा, बीच का भी, ये ड्रॉप वाला भी निकाल देते हैं। बस सिर्फ आधा इंच के करीब, मतलब आधा इंच से भी कम आप कपड़ा है छोड़ दें। ये निकल गया है कपड़ा अंदर से। अब हम यहाँ पे हल्के हल्के नॉचिस लगाते हैं, जैसे कि हमने फोल्ड करना है तो अच्छी तरह फोल्ड हो जाएगा। पूरे गोलाई में हमने शेप दे दी है, इस तरह कटिंग कर ली है। अब हम इसे सीधा करेंगे, सीधा करने के लिए इसको हम इस तरह पहले कर लेते हैं और अब कॉर्नर इस तरह निकल जाएगा। जब हम इस चीज़ को फोल्ड कर लेते हैं, देखिए जब इस तरह और इस तरह, तो ये कॉर्नर बहुत अच्छा निकल जाता है। और अब किसी सुई की हेल्प से ये कॉर्नर हम अच्छी तरह बाहर की तरफ निकाल देते हैं इस तरह, और दूसरा भी, और फिर इसको सिलाई लगाते हैं। ये लीजिए कॉर्नर हमारे निकल चुके हैं, कॉर्नर अब निकल चुके हैं। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे सीधी तरफ और किनारे से सिलाई लगाना शुरू करते हैं। अब इस साइड अभी सिलाई नहीं लगाएंगे, इस साइड बाद में करेंगे, पहले हम साइड से फिनिशिंग दे लेते हैं। अब जब आप सिलाई लगा रहे हो तो बड़े ध्यान से लगाएं, कहीं भी किसी तरह का कोई झोल या कपड़ा बाहर की तरफ कोई भी नहीं आना चाहिए। जैसे कि पाइपिंग का कपड़ा है वो बाहर की तरफ ना आए बिल्कुल भी, उसे हमने अच्छी तरह इस तरह सेट करके सिलाई लगा दी है। ये लीजिए ये गला हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हमने जो ये एक्स्ट्रा सिलाइयां हैं ये सारी निकाल देनी है और यहाँ पे एक डोरी लगानी है और यहाँ पे एक बटन लगाना है। तो उससे देखिएगा आप इसकी ग्रेस कितनी अच्छी आ जाएगी।
अब ये गला तो बन गया है, अब हमने यहाँ पे डोरी लगानी है, एक बटन लगाना है। तो चलिए यहाँ से हम एक सिलाई शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पे पाइपिंग लगाना चाहते हो अंदर की तरफ, तो आप सिंगल पाइपिंग लगा लें, डबल ना लगाएं, डबल में थोड़ा झोल आ जाएगा। लीजिए, यहाँ पे आ गए हैं और ये डोरी है हमारे पास एक बनी हुई। अब हम इसे यहाँ पे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम थोड़ी कट कर लेते हैं, ये लंबी है ज़्यादा। इसे बिल्कुल किनारे पे रखेंगे इस तरह। किनारे पे रखने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी सिलाई डबल करेंगे, डबल करके इसको सिलेंगे ताकि ये निकले ना, जैसे यहाँ पे थोड़ा खिंचाव आएगा। ये लीजिए, अब हम इस सिलाई को कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बटन लगा लेते हैं इस साइड में, बस एक बटन लगाना है आपने। कलर मैच करके लगा लें आप सूट के साथ। मैं हल्का सा पिंक कलर का लगा रही हूँ। अब इसे पीछे से टांका पक्का करके तोड़ देते हैं। और अब इसे करते हैं बंद और ये हमारा गला अब बनकर तैयार है। और आप भी इसी तरह बना सकते हैं और थोड़े सूट की जो लुक है उसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप इसे आप थोड़ा सा प्रेस वगैरह कर लीजिए। और जो बटन है आपने बिल्कुल किनारे पे लगाना है, क्योंकि डिस्टेंस आपने बिल्कुल एक दो पॉइंट का रखा था, उसी हिसाब से ये डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा बटन इधर लगाया तो यहाँ पे झोल भी आ सकता है। और अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलेंगे किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।